नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। दोस्तों मैं हूं जॉयदीप दे, जो आप सभी का दोस्त है। आ गया हूं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बहुत ही आसानी से PDF बना सकते हैं अपने असाइनमेंट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इन टेक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल JDTech को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अपने असाइनमेंट वगैरह के लिए PDF बनाने के लिए सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर के। तो यहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करिए कैम स्कैनर। सर्च करने के बाद आपको ये देखने को मिला है कैम स्कैनर, ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेटिंग मिलता है दोस्तों 4.7 की इस एप्लीकेशन की। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसको मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। आप ओपन कर ले। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डाल के या फिर ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है और फिर से एक बार नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डाल देना है, जो कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइनिंग इन हो रहा है। ये थोड़ा सा समय लेता है। तो साइनिंग इन होने बाद इसके बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है, आपको अलाउ कर देना है इसको। और यहाँ पे आपको स्टार्ट स्कैनिंग पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह आप क्लिक कर पाएंगे और स्कैन करके। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, बुक वगैरह। तो यहाँ से हम पहले डॉक्यूमेंट्स से एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि स्कैन होके एक पिक्चर क्लिक हो चुका है। यहाँ पे प्रोसेसिंग होके यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा एरिया आपको चूज़ करना है। राइट लेफ़्ट कर सकते हैं, या फिर आप फुल कर सकते हैं, या फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव कर देते हैं नेक्स्ट क्लिक करके। यहाँ पर आपको बहुत सारा दोस्तों मोड देखने को मिल जाता है, जिसे आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से राइट बटन मिल जाता है और यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत सारे एडिट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप इसको ब्राइटनेस को कैसे कम करते हैं, या फिर डिटेल्स वगैरह को कैसे आप कम कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही आसानी से ये सब कर सकते हैं। और इसके बाद हम दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। कंटिन्यू पे करने के बाद आपको जो है पिक्चर आप ले लीजिए। इस पिक्चर को लेने के बाद सेम टू सेम प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस करके आपको जो है सेव कर लेना है इस पिक्चर को भी। तो यहाँ से फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से वही एक आ गया। फिर से हम एक पिक्चर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस होके सेव होगा। तो ऐसे सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं और फिर से हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव हो गया। अभी हमारा तीन पिक्चर जो है सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि वो तीन पिक्चर यहाँ पे है। तो यहाँ से आप सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एक पिक्चर पे आपको टैप कर देना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। पकड़ के रखना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए, तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से तीन सिलेक्ट करने के बाद मोड पर आपको क्लिक कर देना है और अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव मिलेगा और यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है गूगल ड्राइव में, साइन इन पर क्लिक करके। यहाँ पे दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस खुल के मिलेगा और यहाँ पे आपको अपना जो है जीमेल आईडी चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो जीमेल आईडी मैंने चूज़ कर लिया है। ऐसे चूज़ करने के बाद ये दोस्तों आपको अलाउ करने के लिए बोलेगा, आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद ये ऑथेंटिकेटिंग करता है और यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब अभी जो हम फोटो वगैरह खींचे थे उनको अपलोड करना है और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको PDF बोल के रखना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी अपलोड हो रहा है ये। तो अपलोड होने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी, हाँ कंप्लीट हो गया अभी अपलोड। तो अपलोड कंप्लीट होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है और चले जाना है दोस्तों गूगल ड्राइव पे। जी हाँ दोस्तों, गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा आपने जो PDF वर्जन बनाया उस PDF वर्जन को ओपन कर लीजिए। और आप देख पाएंगे कि बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर तरीके से आपका जो है PDF वर्जन खुल के आता है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो PDF वर्जन है खुल रहा है। तो ये ओपन हो चुका है अभी।
यहाँ से आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से जो है आपका फुल वे डिटेल्स जो है आपका आ चुका है। तो ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से दोस्तों अपना असाइनमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं पीडीएफ में। और दोस्तों ऊपर के 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से सेंड ए कॉपी से किसी भी जीमेल आईडी पे आपका असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जॉयदीप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर करें और कमेंट करें कमेंट सेक्शन पे। हमारे साथ बने रहे अगले वीडियो तक। हमारे चैनल जेडी टेक को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें।